मैया जीर्ण रूपी दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र निक्षेपण हेतु प्राप्त हुआ है। ए, का कह रही है दीदी? पंजीरी? पुराना टेलीफोन मिला है, रखना है या फेंकना है, पूछ रही है दीदी। अरे, ये तो तब का है जब पहला फोन लगवाया था लल्ला के पापा ने। हेलो हेलो मैया, तब का है ना, पुराना, फेंक दो। मतलब इसे फेंकना ही है? ए! इसे मत निकालो। मैया, कौन सा ऊपर से इस पे पिताजी का फोन आने वाला है? मतलब इसे फेंकना ही है। ए! सारे सामान में से तुझे यही मिला निकालने को? मैं इसे नहीं निकालने दूंगी। अच्छा मैया, रख ले। मतलब इसे रखना ही है। बहुओं ने तो कोने कोने में से सामान निकाल के बाहर रख दिया। मैंने ही कहा था मैया, मैंने सोच लिया इस दिवाली सारा पुराना सामान बाहर फेंक देंगे। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछे बिना कोई सामान मत निकालना, कुछ मत देना। मैया, अरे ये तो मेरी सास की दी हुई कलसी है। अब इसे तो निकाल दे मैया, कौन सा ऐसे रगड़ने से जिन आ जाएगा या दादी जिंदा हो जाएगी। अरे, 6 पीढ़ियों से ये कलसी हमारे घर में है, पुश्तैनी कलसी है, कोई पुराना कुकर नहीं है जिसे निकाल के बाहर फेंक दूं। मैं इसे धुलवा के अंदर रखवाऊंगी। ये तो मैं किसी को नहीं दूंगी। ये तब के है जब तू 1 साल का था। मैया, अब इन थोड़ी ना मुझे पिटाएंगे। मैया, तू कमरे में जाकर आराम करना, तेरे होते हुए ना ये पुराना सामान तो निकलने वाला नहीं है। पिताजी का फोन मत फेंको, सास के सास की कलसी मत फेंको, और ये अब जूते मत फेंको। ऐसे दिवाली की सफाई नहीं होगी मैया। ये तो वही चादर है जिसे बचपन में कुसुम ओढ़ कर सोती थी। चादर यहाँ है और कुसुम आज भी सोती है। आज पता चलेगा तुझे मेरे हाथ की सफाई। सारा माल घर लेके जाऊंगा। प्रताप बाबू, तुम माल साफ करोगे या यहाँ का कचरा? कचरा लो। अरे प्रताप बाबू, तुम्हारा तो बिना उस तरह का मुंडन हो गया। तो बनवारी कहाँ कहे थे प्रताप बाबू, छठी चाल खेले या ऑटो रिक्शा मंगवाए? अरे 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 अरे, अंगूठी लगाओ, अंगूठी। नाना, अंगूठी तो हम अपने लकी सातवीं दाव के लिए रखे हैं। लो, ये कर ले बात। अरे प्रताप बाबू, छठी चाल खेलोगे तो ही सातवीं आएगी ना। तो सातवीं में क्या लगाएंगे, उंगली? यानी कि ये मानता है कि छठी चाल भी आ रहेगा। अपना खेलना चुपचाप। खेलते रहे, क्या सोच रहे हो? लगाओ लगाओ लगाओ। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। तीनों को चड्डी बनियान में ना भेजे ना, तो हमारा भी नाम प्रताप, एक्टर नहीं। पंजीरी, मैं बताती हूँ कौन से बर्तन रखने और कौन से फेंकने। माँ जी, अब भले ही मुझसे 50 उठक बैठक करवा लो, लेकिन रसोई के बर्तन मत फेंकवाओ। एक दीदी के चरणों में और दूसरे रसोई के बर्तन में मेरी जान बसती है। अरे, मैं कौन सा फेंकना चाहती हूँ,
लेकिन लल्ला ही पीछे पड़ा। मौका 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 मौका, कहाँ हो तुम मौका? मौका 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 चिल्ला रही है। मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था ना। हाँ मम्मी जी, वही तो कर रही थी। आपको पता है मैं तो मोहल्ले तक हुआ ही मौका ढूंढते ढूंढते। मुझे दूध वाला मिला, पेपर वाला मिला, बिल्लू मिला, राजू मिला, और तो और मम्मी जी मुझे ना एक चोर भी मिला। लेकिन मौका, मम्मी जी आपके पास मौका की कोई तस्वीर है? वो देख लूंगी तो मुझे आसानी होगी ना मौका ढूंढने में। ओ अकल की मलिका, मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था। मौका किसी का चाचा भतीजा नहीं है जो ढूंढने से मिल जाएगा। अरे ये कन्हैया ने कलसी यहाँ क्यों रख दी? लो मिल गया मौका। क्या मौका? ए यहाँ, ये कलसी पे धूल जमी हुई है, इसे साफ करके अंदर रख दे। ओ ये धूल है जन्मदिन की मोमबत्ती नहीं जो फूंक मार रही है, हैं? मम्मी जी साफ सफाई तो मैंने सिर्फ इम्तिहान के पर्चों में ही दिखाई है, धूल मुझे साफ करनी आती नहीं। एक काम कर, बाल्टी ले, उसमें गर्म पानी डाल। हाँ नहीं नहीं, मैं सुबह नहा ली मम्मी जी। ए, मुझे डुबो दे उसमें। हाँ ए? नहीं, गर्म पानी ले, उसमें कपड़े धोने का साबुन डाल, उसमें ये कलसी को डुबो दे और तब चमकेगी ये पुश्तैनी कलसी। अच्छा मतलब कोई भी चीज साफ करनी हो तो उसे गर्म पानी की बाल्टी में डुबो देना चाहिए। डुबो?